कौन हूं मैं, क्या है मेरा वजूद, क्या है मेरी पहचान। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी, या फिर एक जिस्म जिसे नोचने को तैयार है चील, कौवे और भेड़िए। जीते जी तो लड़ गई मैं उनसे, पर मरने के बाद मेरे मुर्दे जिस्म को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। सर, लाश तो पूरी सड़ चुकी है, हड्डियां तक छूट रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और आसपास का पूरा एरिया सर्च करो। ओके सर। लाश करीब 4 से 4.5 महीने पुरानी है। लड़की का कद 5 फीट 7 इंच है और उम्र 22 से 23 के बीच। मौत की वजह? पहले सर पे किसी रोड से वार किया गया था, स्कल टूटी हुई है और उसके बाद गला घोटकर मर्डर किया गया। स्ट्रेंगुलेशन के मार्क्स हैं गले पर। डेड बॉडी के साथ किसी ने बलात्कार किया है। आप श्योर हैं इस बात को लेकर? जी हाँ, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स पे जो हमें इंजरीज मिली है वो एंटीमार्टम नहीं पोस्टमार्टम है। सीमेंट डिपॉजिट के ट्रेसेस बाहर प्राइवेट पार्ट पर ही है, यानी सीमेंट यूट्रस तक तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि तब तक तो सेल्स डेड हो गए थे। नमस्कार, आज क्राइम पेट्रोल डायल 100 के एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं पुंसिया बाजतपुर बिहार में हुए एक घिनौने अपराध की दास्तां। एक 22-23 साल की लड़की की लाश पुलिस को मिली और प्राथमिक जांच से पता चला कि पहले उस लड़की की हत्या की गई और फिर उसके साथ बलात्कार। कोई अपराधी इतना अधम कैसे हो सकता है, कोई ऐसा क्यों करेगा। लाश को ना तो अभी कोई नाम मिला था और ना ही उसकी पहचान हो पाई थी। पुलिस ने आसपास के पुलिस स्टेशन से 4-5 महीने पहले की मिसिंग रिपोर्ट मंगवानी शुरू कर दी। सर, सभी पुलिस स्टेशन और थानों से मिसिंग रिपोर्ट हासिल कर ली है। सर, मार्च 2015 से अप्रैल 2015 तक कुल 72 लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिसमें से 17 लड़कियां वापस आ गई थी, लेकिन 4 का मर्डर हो गया था और उन 4 के हत्यारों के ऊपर केस चल रहा है। सर, ये फाइल। रितिका, तुम्हारी हाइट कितनी? 5.3। और पाठक तुम्हारी? सर, 6 फीट। तुम्हारी पत्नी की? तकरीबन 5 फीट 3 इंच। पाठक, जिस लड़की की डेड बॉडी मिली है उसकी हाइट है 5 फीट 7 इंच और हमारे यहाँ इतने ऊंचे कद की लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। पाठक, एक काम करो, जिन लड़कियों की मिसिंग केस की फाइल अभी तक क्लोज नहीं हुई है उनके परिवारों से पता करो, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट लगभग इतनी है। सिर्फ उन्हीं परिवारों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। मुझे लगता है अब इस लड़की का कद ही इस केस को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। लाश काफी गल चुकी थी और अब उसकी पहचान हो पाना मुश्किल था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि लड़की की मिसिंग कंप्लेंट ना लिखवाई गई हो, इसलिए उन्होंने खबरियों के नेटवर्क को काम पर लगा दिया। 5 गांव से 5 लड़कियों के गुमशुदा होने की खबर मिली, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 लड़कियों का कद लाश से मैच करता था। अब जांच का दायरा सिमट कर उन 3 परिवारों तक आ पहुंचा था। क्या उनमें से कोई शिनाख्त कर पाएगा इस लाश की? ये चूड़ी हमें लाश के हाथों से मिली थी, आप पहचानते हैं इसे? आपकी बेटी की है? नहीं साहब, न तो ये चूड़ियां हमारी बिटिया के हैं और न ये लाश। नहीं साहब, हमारी बहन लंबी जरूर थी पर ये नहीं हो सकती। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। वो तीसरी फैमिली का क्या हुआ? सर, तीसरी फैमिली एक ड्राइवर की है, नाम है फिरोज, उसकी बीवी लापता है, अभी पटना गया हुआ है, देर रात तक लौटेगा, कल सुबह तक थाने आ जाएगा। नाम क्या है इसका? पता नहीं साहब। तेरी बीवी का जो लापता है? साहब यू नहीं है। अबे, तेरी बीवी का कोई नाम था कि नहीं? फरीदा। कद? इतना होगा साहब, लेकिन ये सब काहे पूछ रहे हैं आप लोग?
चार महीने से लापता है ना तेरी बीबी? हाँ साहब, लेकिन वो लापता नहीं है, भाग गई किसी दूसरे मर्द के साथ। अरे हमारे लिए तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमें छोड़ के गई वो। अब उसके अम्मी अब्बू जाने और ऊ जाने, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें माफ कीजिए। कहाँ रहते हैं उसके माँ बाप? यही कटोरिया गांव में। और सुन, जब जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे। ठीक है साहब। पाठक सर, फिरोज के ससुराल वालों को बुलाकर लाश दिखाओ। मुझे लगता है अब यही फैमिली हमें मुजरिम तक पहुंचाएगी। सर, सर मुन्ना, हमने सुना है आपकी बेटी लापता है। आपकी बेटी लंबी थी, लगभग उसी कद की एक लड़की की सड़ी हुई लाश मिली है हमें। हमारी बेटी नहीं होगी साहब। बिना लाश को देखे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बेटी नहीं है? आओ। इस लाश की हाइट तकरीबन 5 फीट 7 इंच है, आपकी बेटी की हाइट भी इतनी थी ना? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा साहब, कैसे पहचाने हम इसको? आप इन चूड़ियों को पहचानती हैं? नहीं। ठीक है, आप दोनों बाहर बैठिए। पाठक सर, इन दोनों को लैब लेके जाओ, इनका डीएनए सैंपल लो और लाश के डीएनए के साथ मैच करवा के देखो। और हाँ, ये लाश जिस बोरी में मिली थी उसके ऊपर एक मार्क था, वो भी पता करो, आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं। सर। हेलो सर, उस लाश का डीएनए मुन्ना बाबू और रज्जो का डीएनए से मैच हो गया। मतलब लाश फरीदा की है? जी सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। पाठक सर, फरीदा की दोनों फैमिलीज को बुलाओ, अब इन दोनों फैमिलीज की कुंडली हमें खोलनी होगी। फरीदा और उसके शौहर के ताल्लुकात कैसे थे ये पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शौहर तो कह रहा है कि उसकी बीवी किसी के साथ भाग गई थी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसके साथ वो भागी थी उसी ने उसे मार दिया। हो सकता है, लेकिन अगर वो किसी के साथ भागी थी तो कोई अपनी प्रेमिका को मारकर उसकी लाश के साथ रेप क्यों करेगा? अब इस केस को सुलझाने के दो ही रास्ते हो सकते हैं पाठक। पहला तो ये पता लगाना कि वाकई में फरीदा ऐसी थी जैसा उसका शौहर बता रहा है, और दूसरा उस क्रिमिनल की साइकोलॉजी को समझना जिसने ये घिनौना अपराध किया है। पाठक, लाश के साथ रेप हुआ है, ये क्रिमिनल नेक्रोफिलिक भी हो सकता है। मुझे लगता है हमें क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बोस की मदद लेनी चाहिए। तुम एक काम करो, तुम फिरोज के साथ तहकीकात शुरू करो, मैं डॉक्टर बोस को मिल के आता हूँ। सर वेल, सिंस इट्स अ केस ऑफ डेड बॉडी रेप, इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बैठो। एक तो ये कि शायद कोई आपसी दुश्मनी हो। इस लड़की की तस्वीर है कोई आपके पास? जी नहीं। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि लड़की बेहद खूबसूरत होगी, और ये भी हो सकता है कि कोई उसे पाने की कोशिश करता रहो और अंत में कुछ हासिल होता नजर नहीं आया, तो पहले उसने लड़की का मर्डर कर दिया और फिर रेप। कोई दिल जला आशिक ये क्राइम कर सकता है। डॉक्टर बोस, इस केस में ऐसी कोई जानकारी तो नहीं मिली है, फिर भी हम इस एंगल के बारे में गौर जरूर करेंगे। कोई खूबसूरत लड़की अगर ना कहे तो मेल ईगो को चोट लगती है और वो ऐसी हरकत कर सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो बेहद रेयर है, नेक्रोफिलिया। डॉक्टर बोस, मुझे नेक्रोफिलिया के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी चाहिए। नेक्रोफिलिया मतलब मेंटली इम्बैलेंस लोग, जो सिर्फ डेड बॉडीज के साथ ही रेप करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में ज्यादातर औरतों से प्यार पाने की हिम्मत नहीं होती। अपीयरेंस से वो लोग शाये दिखते हैं, औरतों से नजरें भी नहीं मिला सकते, लेकिन अपनी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए वो लोग डेड बॉडीज की तलाश करते रहते हैं। ऑपोर्चुनिस्टिक नेक्रोफिलियाक्स। लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर डेड बॉडीज को दफनाया नहीं जाता बल्कि जलाया जाता है। डॉक्टर बोस, ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की का खून किसी और ने किया हो और उसके बाद डेड बॉडी के साथ रेप किसी और ने किया हो। हो सकता है, अगर ऐसा है तो आपको एक नहीं दो दो मुजरिमों को तलाशना होगा। लेकिन इस केस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है विक्टिम के बारे में जानना, विक्टिम की पर्सनैलिटी के बारे में जानना, क्योंकि विक्टिम की हिस्ट्री ही आपको क्लू दे सकती है कि उसे किसने मारा होगा।
इसका मतलब है हमें शुरुआत वहां से करनी होगी जहां से फरीदा की कहानी शुरू हुई, उसके अपने माता पिता के घर से भागने से। सर, फिरोज, फिरोज, जो लाश तुम्हें दिखाई गई थी वो किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी फरीदा की है। और बड़ी हैरानी की बात है कि उसको मारने के बाद उसकी लाश के साथ रेप हुआ है। रेप हुआ है? तनी तो होना ही था। अच्छा हुआ मर गई, जीते जी तो मार ही डाला था ना उसने हम लोगों को। कोई नहीं सोचा था कि वो ऐसी निकलेगी। फिरोज, तुम फरीदा को कब और कहां मिले थे? सर, एक दिन की बात है, हमारी गाड़ी खराब हो गई। हम कुछ मदद करें आपकी? अरे आप क्या मदद करेंगे हमारी? अरे आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम धक्का लगाते हैं। क्या बात कर रही हैं? अब आप धक्का देंगी? अरे काहे, काहे हम धक्का नहीं लगा सकते। अरे लड़की है पर कमजोर नहीं। चलिए आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम धक्का लगाते हैं। देखते हैं। चलिए, एक दो तीन। देखा, निकल गई ना। भाई मान गए आपको। सुनिए, कहीं जाना है तो चलिए छोड़ दें। नहीं नहीं, रहने दीजिए। और वैसे भी देखिए ना, पांव पूरे खराब हो गए, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। अरे तो हमारे पैर में कौन सा गुलाब का पंखुड़ी जड़ा है? साहब का गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं है, आ जाइए। अच्छा ठीक है, फिर चल लेते हम। बस साहब, उसमें कुछ बात तो थी कि हमारी गाड़ी के पहिए उसकी घर की ही तरफ घूमने लगे, हम दोनों मिलने लगे। इश्क हो गया था साहब उससे। एक दिन हम दोनों ने भाग कर निकाह कर लिया। हम दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। उसे अपनी लंबाई पे बहुत गुमान था। अरे फिरोज। हाँ? सुनो तो, यहाँ हो ना। हुआ क्या? इतना काय शर्मा रहे हो? हाँ, बीवी है हम तुम्हारी, कोई परोसन नहीं। अरे लेकिन काम का है। बस यहाँ खड़े रहो, काम कुछ भी नहीं है, चुपचाप खड़े रहो और निहारो कि तुम्हारी बीवी कैसे पंखा साफ करती है। हम्म, जो काम आज चुप चुप के कर रहे हो ना, तो यहाँ पर करो। क्यों? हाय अल्लाह, ये तो देखा ही नहीं हमने, एक फुट नाटे रह गए तुम हमसे। लगता है तुम्हारी अम्मी तुम्हें बचपन में दूध कम पिला रही। हुँ? अच्छा जी, अभी बता। अरे नहीं नहीं, नहीं। सुनो, अब बताओ, इसकी अम्मा ने कम दूध पिलाया? सिर्फ दो इनसे चुक गए हम, वरना हमारे शौहर हमसे नाटे होते। गलत आदमी से दिल लगा बैठे ना। तुमने ना सरू को चीटिंग क्यों की हमारे साथ? चीटिंग तो वो कर रही थी हमारे साथ, घर वालों से लड़ाई लेके निकाह किए थे उसके साथ, अपनों से दुश्मनी मोल लिए थे, बदले में उसने कहा दिया धोखा, घर छोड़ के भाग गई किसी यार के साथ। फिरोज, क्या लगता है तुम्हें किसके साथ भागी होगी तुम्हारी बीवी? पता नहीं साहब, पता नहीं किस किस के साथ चक्कर चला रही थी, पर हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिला के गई। अब कहां मुंह दिखाएंगे साथ वालों को? ठीक है, तुम फिलहाल जा सकते हो। पाठक। सर, इस फरीदा को समझने के लिए अब उसके माँ बाप से मिलना होगा, क्योंकि शायद उनसे मिलने के बाद इस किरदार का कोई दूसरा पहलू सामने आए। मुन्ना बाबू। हाँ साहब। आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। जो लाश आप लोगों ने देखी थी उसका डीएनए आपके डीएनए के साथ मैच हो गया है। इस
इसका मतलब वो लाश फरीदा की ही थी। संभालिए अपने आप को। मुन्ना बाबू, हम आपकी बेटी के कातिल को ढूंढ रहे हैं और इस काम में हमें आपकी मदद चाहिए। हमने आपको पहले बताया नहीं, लेकिन आपकी बेटी का पहले कत्ल हुआ और फिर उसकी लाश के साथ किसी ने जबरदस्ती की, बलात्कार किया उसके साथ। आपको किसी पर शक है, कोई अंदाजा है? कौन हो सकता है जो आपकी बेटी के साथ ऐसा घिनौना अपराध कर सकता है? नहीं साहब, सच कहें तो हम हमारी बेटी के बारे में कभी समझ ही नहीं पाए। बड़ी उम्मीद थी उससे, किस बाप को नहीं होती, पर एक दिन वो भाग गई किसी के साथ। बाद में पता चला कि उसने शादी कर ली है, दोनों कहीं अलग रहने लगे। लड़के का नाम फिरोज था, फिर फिरोज के माँ बाप ने भी उन दोनों का रिश्ता कबूल कर लिया और फिरोज अपने खानदान के साथ ही रहने लगा। हमें लगा कि हमारी बिटिया खुश है वहाँ। ईद का मौका था, हम दोनों बिटिया की ससुराल गए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, आपकी बेटी फिर से भाग गई। अरे वैसे भी आप लोगों को तो अपने आप पर फक्र होना चाहिए। अरे ऐसा क्या सिखाया है आप लोगों ने? ऐसे कौन सी परवरिश दी है अपनी बेटी को? कोई भी चाहने वाला मिला नहीं कि वो भाग जाती है। अरे फरीदा की अम्मी, आप क्यों सर झुका रही हैं? अरे खाइए मिठाई खाइए। अरे अम्मी छोड़ो भी, जाने दो। छोड़ो क्या मुन्ना बाबू, आपने तो ऐसी बहू दी कि तमाशा देखने के लिए मेला जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमको ही तमाशा बना के गई वो। ये ऐसे भूत बने क्या सुन रहे हैं? चलिए निकलिए, दफा होइए यहाँ से, चलिए उठिए। लड़की के माँ बाप थे हम, शर्म से सर झुका कर लौटा। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब फरीदा आप लोगों के साथ यहाँ रहती थी शादी से पहले, तब उसका किसी के साथ कुछ नहीं? सर हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। हाँ वो बहुत हंसी मजाक करती थी, वो कद में लंबी थी ना, इसलिए जो भी लड़के उसे कद में छोटे थे ना, उनका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। पर हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। आपकी बेटी और फिरोज के बीच मोहब्बत थी, फिर उनकी शादी भी हो गई, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि? एक तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा साहब, एक डेढ़ साल में ऐसा क्या हो गया कि वो भाग गई? आपके पास आपकी बेटी की कोई तस्वीर तो होगी? शुक्रिया। जैसा कि डॉक्टर बोस ने कहा था, लड़की वाकई खूबसूरत है। ऐसा लगता है ये खूबसूरती ही इसकी दुश्मन बनी होगी, बहुत चाहने वाले होंगे इसके। सर कोई दिलजला आशिक भी तो हो सकता है इसके पीछे। इसके शौहर को जरूर पता होगा कि कौन इस पर मर मिटने को राजी था और कौन इसे मार के मिटाने को। पहली बार तो उसने साफ साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब वही हमें बताएगा कि इसके कितने आशिक थे और कौन कौन था। फिरोज, ये तो तय है कि तुम्हारी बीवी का खून किसी दिलजले आशिक ने किया है। साहब कहा जाने कितने दिलजले आशिक थे उसके। अरे बच्चलन थी साहब, हम तो फंस गए उससे शादी करके, हमारे घर से ही भाग गई। भाग कर गई कहाँ थी और किसके साथ भागी थी? पता नहीं साहब, लेकिन आए दिन लोग उसको इधर उधर देखा करते थे उसके आशिकों के साथ। और ये आशिक था कौन, किसने देखा, कहाँ देखा? अभी 4-5 महीने पहले देखा गया था उसको उसके आशिक के साथ, यही कबीरपुर दरगाह पर। रघु भैया ने देखा था उसको, दौड़ के आया उनको बताया, लेकिन जब तक हम लोग वहां जाते निकल चुके थे दोनों। रघु भैया कौन है? हमारे गांव में रहते हैं। कहीं उसी की नजर तो नहीं थी फरीदा पर? अरे नहीं साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े भाई के जैसे हैं हमारे, हमारे निकाह में बहुत मदद किए थे। पाठक दरगाह में जाके पता करो, पता तो चले ये सच बोल रहा है या झूठ। सर बाबा, इस लड़की को पहचानते हैं क्या? जी हाँ, बड़ी नेक लड़की है ये, अक्सर यहाँ आती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी, दुआ मांगती थी। गरीबों को खाना खिलाती थी। पर पिछले 4-5 महीनों से तो मैंने उसे यहाँ देखा नहीं। पर हमारी जानकारी के हिसाब से तो वो यहाँ किसी के साथ आती थी। जी अपने शोहर के साथ आती थी या फिर अकेले। इसे पहचानते? जी हाँ, यही तो उसका शोहर है, फिरोज नाम है इसका।
अच्छा बाबा, कभी किसी और के साथ आई थी यहाँ? परवरदिगार की कसम, वो वैसी औरत नहीं थी, ये एकदम पाक दामन औरत है वो। शुक्रिया सर। सर ये फिरोज झूठ बोल रहा है, इसकी बीवी दरगाह तो जाती थी लेकिन या तो इसके साथ या फिर अकेले, कभी किसी और के साथ नहीं गई सर। और सर 4 महीने से तो वो दरगाह गई नहीं। वह झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है तू। साहब हम काहे गुमराह करेंगे आपको, राजेश, रॉकी, सलीम, बबलू, समीर, इन सबके साथ चक्कर था उसका, और कहा जाने कितना चक्कर था। ये जिन लौड़ों के तूने नाम लिए हैं कहाँ मिलेंगे? सर ये फिरोज कहीं हमें गोल गोल तो नहीं घुमा रहा? पाठक, एक औरत का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी के साथ रेप करने वाला आदमी कोई सिंपल आदमी तो नहीं होगा ना? सर आपका शक कहीं फिरोज पर तो नहीं? हाँ सर, उसके पास मोटिव है, वो उसका मर्डर कर सकता है, लेकिन लाश के साथ रेप? अगर मुजरिम कोई मानसिक रोगी है तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होगा। सर लेकिन फिरोज का तो किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और वो 5 लोग, राजेश, सलीम, समीर, रॉकी और बबलू, देखते हैं अब इन 5ों की कुंडली में क्या निकलता है। सर एक बात और, सर जिस बोरे में लाश मिली थी उसके डिटेल्स लेने के लिए मैंने मिश्रा जी को भेज दिया। रॉकी ना, पत्ते वो तेरा पेरी करता है। चुप, रोत ले, हरदम रोते ही रहता है। अरे पुलिस, पकड़े! साहब साहब, पत्ते खेल रहे थे, जुआ नहीं खेल रहे थे हम लोग। सिखा मत। राजेश कौन है? ये सर। तूने फरीदा को आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? सर फरीदा भाभी को उनके घर पे। भाभी बोलता है, तेरा चक्कर था ना उसके साथ? अरे नहीं साहब, अम्मा का सब, हमने तो बस एक बार उनके हाथ की बनाई फिरनी खाई थी बस, उसके बाद तो मैंने देखा भी नहीं साहब। जब से वो गायब हुई तब से कहीं देखा? नहीं साहब, कहीं नहीं देखा। राजेश झूठ मत बोल, फिरोज ने हमें बताया कि तू उससे मिलता था। साहब वो झूठ बोल रहा है, सहारा हमको वो। तुझे क्यों क्यों बसा रहा है, कोई तो वजह होगी ना? गायब होने से पहले उसको मैं फिरोज के साथ लड़ते हुए देखा था। हमारे वजह से घर में कोहराम मचा है, हमारे वजह से। मत खुला तुम हमारा। अरे तो तू ही बता ना, वही रात कव्वाली जाने के लिए क्यों मिली जब हम घर पे नहीं थे? किसके साथ गई थी तू? जब तुम साहब के साथ में गाड़ी लेके जाते हो रात कहाँ बिताते हो ना, एक मालूम नहीं है हमें? अशफाक भाई सब किससे बताया तुम्हारे? कूड़ा तू खाती है और उंगली हमारी तरफ उठाती है। हमारा हाथ मत लगाना हम पे, बाकी जनानियों की तरफ कमजोर नहीं है हम। उस दिन किस तरह से फंसे हुए पहिए को निकाल दिया था ना, उसी तरह तुम्हारा हाथ हर रात फेंक देंगे। एक दिन कवाली कहाँ चले गए तो क्या बच्चा हो गए कहाँ? अरे कुछ ना कुछ तो करती होगी ना तू, बार बार नाम काहे उछलता है तुम्हारा? बस इतनी परेशानी है, इतना ही शक है तो काहे ना तलाक ले लेते हमसे। बबलू तू बता, क्या जानता है फरीदा और फिरोज के बारे में? पता नहीं साहब, वो लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। समीर कहाँ मिलेगा? समीर से पूछताछ करके कोई फायदा नहीं, वो तो कभी किसी औरत की तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखता था, उसका किसी साथ क्या चक्कर होगा साहब? पाठक सर, समीर को उठा के लेके आओ और इन सबका पार्सल थाने भिजवाओ। सर 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 ये है समीर। अपीयरेंस से वो लोग शायद दिखते हैं, औरतों से नजरें भी नहीं मिला सकते। पाठक इससे पूछताछ हम नहीं करेंगे। तो फिर कौन करेगा सर? समीर, समीर नाम है ना तेरा, बैठ। मस्ताना लेडीज टेलर के यहाँ कटिंग का काम करते हो ना तुम? जी मैडम। फरीदा आती थी वहां? हाँ। नीचे क्या देख रहा है, नजरें मिलाकर बात कर, खूबसूरत थी ना वो? जी जी नहीं मैडम। खूबसूरत है, दिल तो आ ही गया होगा ना? जी मैडम, मेरा मतलब नहीं मैडम, बहुत डर लगता था, बहुत मजा करती थी, गुदगुदी होती थी अंदर? जी नहीं। अच्छी लगती थी? जी नहीं मैडम, अक्सर
कपड़े सिलवाने आया करती थी तो नाप मुझे ही लेना पड़ता था। डॉक्टर बोस ने जैसा कहा था ये बिल्कुल वैसा ही है। और बहुत छेड़ती थी। एक दिन वो मेरे दुकान पर आई। अरे कैसे हो लाजू जी? अच्छा लाजू जी, अब एक काम करिए, फटाफट से हमारा माप ले लीजिए। वो कहा ना सलवार कमीज सिलवानी है। जी वो मास्टर जी नहीं है। अरे मास्टर जी नहीं है तो क्या हुआ? आप तो है ना, जल्दी से माप ले लीजिए हमारा। वो आपने वो फिल्म देखी है जो नई नई आई है, वो ऐश्वर्या राय की? हाँ, उसमें कैसी कुर्ती सिली है, बस डिट्टो ऐसी सिलवानी है हमें। अरे इतना कपकपा क्यों रहे हैं आपके हाथ? अच्छा अब छोड़िए, हम बताते हैं, लिखिए 36। क्या हुआ लाजू जी? जी वो आप लाजू जी मत बोला करिए, सब बाद में बहुत हंसते हैं। ओए होए, तो क्या छुई हुई बोले आपको? हाँ आपकी ना शादी करवा देनी चाहिए, एक बार शादी हो जाएगी ना फिर सब सही हो जाएगा। वैसे लाजू जी आपकी शादी लड़की से करवाएं या फिर? अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन सिल के रखिएगा, मैं बाद में आती हूँ। इसलिए खून कर दिया तूने फरीदा का? खून? क्या कह रहे सब आप, भला मैं खून क्यों करूंगा? सिर्फ खून ही नहीं, खून करने के बाद लाश के साथ रेप किया तूने। रेप? हेलो, हाँ एक मिनट, सर मिश्रा जी का फोन। बोलिए मिश्रा जी। ठीक है हम आते हैं। लतिका जब तक ये सच ना बोले अच्छे से मेजरमेंट लो इसका, कैदी की वर्दी सिलवानी है इसकी। यस सर। जी सर, ये बोरी तो हमारे क्या की है, लेकिन इसमें लाश कैसे आई ये मैं कैसे बता सकता हूँ? पुंसिया गांव से कोई आपकी बोरी खरीदता है? नहीं सर। पुंसिया का कोई आदमी यहाँ काम करता है? एक मिनट। हाँ मंडल जरा अंदर। कोई बड़ा केस है साहब क्या? पुंसिया गांव से कोई हमारे यहाँ काम करता है क्या? सर वो अपना टेम्पो टावर रघु वहीं का है। ये रघु भैया कौन है? हमारे गांव में रहते हैं। बुलाओ उसे। सर दो तीन दिन से छुट्टी पे, बीमार है। उसका नंबर और एड्रेस दीजिए, पर याद रहे उसे बताना मत, समझ गए ना? रघु जिस पर फिरोज को बेहद भरोसा था उसकी क्या भूमिका थी इस जुर्म में? क्या वो शामिल था या फिर उसे भी इस जुर्म की कहानी लिखने वालों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए लाकर खड़ा कर दिया था? शक के घेरे में एक मासूम सा दिखने वाला समीर भी था जिसे पुलिस नेक्रोफिलिक यानी कि लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला मान रही थी। क्या वो सकुचा सा सहमा सा मासूम युवक वाकई इस जुर्म का सूत्रधार था? बैठ। और क्या क्या किया रघु ने तेरे लिए? सिर्फ लाश फेंकने के लिए बोरी का इंतजाम किया था या खून में शामिल था वो? क्या कह रहे हैं साहब आप, हम काहे करने लगे खून? रघु भैया ने तो निकाह के वक्त हमारी काफी मदद की थी, वो काहे करेंगे खून? देख फिरोज, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तूने क्या कहा था, तेरी बीवी के बहुत से यार हैं, तूने नाम भी बताए, लेकिन जब हमने पता किया उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला जिसकी तेरी बीवी के साथ यारी हो। फिर तूने क्या कहा, तेरी बीवी दरगाह जाती थी किसी के साथ? तेरी बीवी जिस दिन से गायब हुई है वो दरगाह गई नहीं। पर साहब चुप। क्या कहा था तूने, तेरे तेरी बीवी के साथ झगड़े होते थे, तलाक तक बात पहुंच गई थी? नहीं, तू अपनी बीवी पर बदचलन होने का इल्जाम लगा रहा है। पर साहब अशफाक भाई जान ने ही ये बात हमें बताई थी, एक बार नहीं कई बार, कि उसका एक के साथ नहीं कईयों के साथ चक्कर है। तूने जिस जिस का नाम लिया हमने सबकी कुंडली निकलवाई है, एक भी आदमी उसमें शामिल नहीं है। झूठ बोल रहे हैं साहब, ऐसी बात भी कोई कबूल करता है का? एक बात बता, तूने अपनी बीवी को देखा कभी किसी के साथ? नहीं साहब। फिर? लेकिन अशफाक भैया ने तो देखा, रघु भैया ने तो देखा। अबे तेरे भैया कहेंगे कि तेरा कान कौवा ले गया, तू कौवे के पीछे दौड़ेगा क्या? पाठक सर, इसके प्यारे भैया अशफाक को उठा के ले गया, ये केस अब इन दोनों पे खत्म होगा। और याद रखना फिरोज, बहुत घिनौना अपराध हुआ है, एक लाश के साथ रेप हुआ है, सजा तो मिलेगी ही, लेकिन उससे पहले चल अशफाक खड़ा हो। अरे साहब तेरे हजामत हम बनाते हैं। अरे साहब लेके चल।
साहब, फरीदा औरत नहीं, आफत थी आफत। तो उस आफत को तूने रास्ते से हटाया या तूने अपने भाई की मदद की उसे रास्ते से हटाने में? अल्लाह कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया, पर यह सच है कि मेरे छोटे भाई की बीवी की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा, जरा हम भी तो सुने। फिरोज जब घर से निकल जाता तो फरीदा भी कहीं गायब हो जाती, देर देर तक घर नहीं आती। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, हम सरेआम जलील होने लगे, पानी नाक से ऊपर हो गया था। तब जाके मैंने फिरोज को सच सच बताया। मोहब्बत अपनी जगह, अब वो तेरी बीवी है, नजर रखा कर उस पर। ना जाने क्या क्या किसके साथ करती फिरती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अरे ऐसी बात ही तो पहले बताना चाहिए था ना, अब क्यों बता रहे हो? बड़ा भाई हूं तुम्हारा, अच्छा ही लगता है ये सब कहना। कब तक कोई खामोश रहे? एक बार समझाने की कोशिश की तो उल्टा मेरे ऊपर पलट पड़ी, भला बुरा कहने लगी। औरत जात पर लगाम रखना सीख, नहीं तो किसी दिन हम सबके चेहरे पर काली पोत कर भाग जाएगी। साहब, मैंने फिरोज को कई बार आगाह किया, सब लोगों ने देखा, घर से भागने के बाद बेहयाई से सर उठाकर घूम रही थी। क्या करता साहब, सब कुछ अपने भाई को बताना पड़ा। भाई ने कहा तो सच, बीवी ने कहा तो झूठ। ऐसी बात नहीं है साहब, आपको पता नहीं है, अशफाक भाई जान नहीं रहते तो हम कभी घर वापस नहीं आ सकते थे। तो भाई का कर्जा तूने ऐसे चुकाया बीवी की जान लेकर। लेकिन एक बात बता फिरोज, लाश के साथ बलात्कार करते हुए तुझे घिन नहीं आई? क्या बात कर रहे हैं साहब आप, हम इतने गिरे हुए नहीं कि मुर्दे के साथ, और ना ही अशफाक भाई जान इतने गिरे हुए हैं। जरूर उस फरीदा का कोई ना कोई आशिक रहा होगा जिसने उसके साथ ये सब किया होगा। अरे उस घोड़ी को हम लगाम कस ही नहीं पाए, खून का करेंगे। और रही अशफाक भैया की बात, अरे उनके पीछे तो खुद ही दौड़ी थी मारने। अरे फिरोज, ये कहाँ है? जब कल रात हम घर पे नहीं थे कहाँ थी तू? काहे बखला रहे हो इतना, कवाली सुनने गए थे। किसके किसके साथ गई थी कवाली सुनने? जैसे अपने घर से भागी थी, हमारे साथ किसी और के साथ भागने का इरादा है क्या तेरा? फिरोज, जबान संभाल की बात कर। आवाज नीची, शौहर है हम तेरे, बहुत कुछ बताया अशफाक भाई जान ने तेरे बारे में। हाँ तो जाके कह दो अपने अशफाक भाई से, हाँ बीवी हम तुम्हारे, निगाह की है तुम्हारे साथ में, कोई घर में पड़ा हुआ पैजामा नहीं कि चार दिन वो पहन, चार दिन तुम। अशफाक, अरे पागल है तेरी। अब आपको यकीन नहीं आता तो बबलू से पूछ लीजिए, बबलू ने जो बताना था बता दिया है। अब तो सिर्फ ये बता, तूने अपनी बीवी को मारा क्यों? जिसकी कसम खिलानी है खिला लीजिए साहब, हमने खून नहीं किया। अरे ये तो थप्पड़ जरूर मारा है उसको जब गुस्सा मगज पे चढ़ जाता था। अरे भाई को गाली देगी तो गुस्सा नहीं आएगा काका? तो तू फरीदा के बारे में अफवाहें फैला रहा था और अपने भाई के मन में शक के बीज बो रहा था? नहीं साहब, मेरा छोटा भाई तो मेरे बेटे जैसा है साहब। नहीं साहब, क्या बे, हम कंचे खेलते हैं और तू हमारा बड़ा भाई है जो हमें घुमाएगा? नहीं साहब, हम तो छोटे लोग हैं, हम क्या घुमाएंगे। लेकिन हम सच बता रहे, आस पड़ोस में तरह तरह की बातें होने लगी तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाता। यहाँ तक तो हमने फिरोज को कई बार समझाया, भाई ठंडे दिमाग से काम ले। इसका मतलब ये हुआ कि फरीदा का खून तूने नहीं तेरे भाई ने किया है? चा। रघु कहाँ छुप के बैठा था? सर इवनिंग कॉलेज के पीछे बगीचे में। ये और राजेश दोनों दोस्त हैं और दोनों के दोनों हिस्ट्री शीट हैं। अब इनकी हिस्ट्री के नए पन्ने हम लिखेंगे। मिश्रा जी, आप प्रस्तावना लिखिए, हम आते हैं। जी सर। लतिका जी सर। समीर को जाने दो। जी सर। पाठक सर, अब इस केस का असली मुजरिम हमारे हाथ में है, अशफाक, फिरोज, राजेश या रघु या फिर ये चारों। सर ये अखबार रघु की गाड़ी में से निकला है, ये दुनिया का सबसे बकवास अखबार है, इसे कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ रघु ही पढ़ता है। और खास बात यह है सर, यही अखबार लाश के पास मिला है। बोलो क्यों मारा फरीदा को? बोलो सर। साहब हमने नहीं मारा साहब, बोला रघु। साहब साहब हमने तो सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी साहब, और कुछ नहीं। अगर तुम दोनों ने फरीदा को नहीं मारा तो किसने मारा है? लाश के साथ रेप किसने किया? व्हाट?
इन दोनों में से कौन है? बोलेगा भी मैंने मारा फरीदा को। पहले मैं फरीदा और फिरोज की शादी के खिलाफ था। जब मैंने फरीदा को देखा तो देखता ही रह गया। मैंने अब्बू को मना लिया। और तुरंत उन दोनों को घर ले आए। मैंने सोचा फरीदा मेरे इस एहसान का बदला चुकाएगी, मुझे करीब आने देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर मैंने पीछे से उसे दबोच लिया। अरे फिरोज, अशफाक, अरे अरे कब? देखो मैं तो आज सबक सिखाती हूँ बराबर से। तेरी तो देती हूँ मैं। बदतमीज, अरे अली, आज तुम्हें देखो छोड़ूंगी नहीं। उसने लोगों के सामने मुझे खदेड़ खदेड़ कर मारना चाहा। पागल हो गई है? अरे रुक रुक, कहाँ जा रहे भाग के? पगला गई है? अरे रुक, अरे रुक, पकड़ के मार, रुक, कहाँ जा रहे? मैंने रघु और राजेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसे रघु पर बड़ा यकीन था। रघु को उसके पास भेजा। भाभी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए भाई। और भाभी जी, आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। हाँ बताइए। फिरोज भाई है ना, फिरोज भाई ने घर बनाने के लिए एक जमीन खरीदी, तो मैंने ये सोचा कि कहीं आपको बाद में जमीन पसंद ना आए, तो चलो मेरे साथ आपको दिखा देता हूँ। अरे सोचिए मत भाभी जी, चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा? खुशी की बात है, इतने का सोचना। आइए भाभी जी, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ हाँ चले। जमीन दिखाने के बहाने टेम्पो में उसे बिठा लाए। आइए भाभी जी। ये देखिए, ये जमीन खरीदी है इतना बढ़िया सा। ये जमीन खरीद रहे हैं फिरोज? हाँ भाई। यहाँ कौन आएगा? हम बताते हैं। अशफाक, यहाँ से थोड़ी दूर पर है वो जमीन जो तुम्हारे लिए मुकर्रर की गई है। देखोगी तो हैरान हो जाओगी। रघु भाई, ये क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्या कर? लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा भाई। इतनी जिल्लत सही थी, इतने ताने सुने थे नोटे होने के, दिमाग सुलग उठता था। सामने तो लाश पड़ी थी साहब, लेकिन दिमाग में जीती जागती फरीदा। हमने अपना आपा खो दिया और ले लिया बदला अपनी हर तौहीन का।
शर्म आती है तुम जैसे आदमी को सामने देखकर। ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा तुम्हारे खिलाफ कि जमानत को भी तरस जाओगे। रघु, राजेश और अशफाक पुलिस की हिरासत में हैं। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है लेकिन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी अभी बाकी है। इस केस से कुछ सवाल मन में खड़े होते हैं। अगर कोई मर्द या औरत बेहद खूबसूरत है और आप उसे चाहते हैं पर हासिल नहीं कर सकते, तो क्या ये वाकई आपकी हार है? क्या हमें किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करना चाहिए? और खूबसूरती कोई बाजार में उपलब्ध वस्तु नहीं है जिसे हम जब चाहे खरीद लें, और अगर खरीद ना सकें तो फिर उसे लूट लें। फरीदा के प्रति अशफाक की लालसा ही इस जुर्म की जड़ थी, जिसने ना सिर्फ एक घिनौने जुर्म को जन्म दिया बल्कि अशफाक ने अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी भी तहस नहस करके रख दी। ऐसी भावना, ऐसे विचार जिस दिन भी मन में जागे उन्हें फौरन मन में ही मसल देना चाहिए, क्योंकि जुर्म पहले मन में पैदा होता है और फिर हकीकत में। मन की इस मैल पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबा केक को, सीख हम सबको। जय हिंद।